बॉर्डर के नजदीक में अगर टनल बनानी है तो कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा उनको, ये कम से कम हम कह रहे हैं, इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। इतना नजदीक कोई नहीं आ सकता जब तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से परमिशन नहीं होगा। और इतनी टनल्स खुदी हैं तो ये एक प्रॉपर इनके गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हुआ है कि इसको हम करें, तो पूरा प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट का इसमें। इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तानी सेना हर जगह आउट ऑफ कंट्रोल। सीज फायर के लिए भी वो मजबूरी में तैयार हुई, क्योंकि एक तरफ तो भारत ने उसके आका चीन को उसकी हदों में भेज दिया, दूसरी तरफ बॉर्डर पर पिछले एक साल में उसके सारे हथकंडे ध्वस्त हो गए। बीएसएफ के जवानों की सख्ती की वजह से अब वो सीक्रेट रास्ते भी बंद हो गए हैं, जहां से पाकिस्तानी आतंकी आसानी से भारत में दाखिल हो जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर गैप्स उन इलाकों को कहा जाता है जहां पर एक रेगुलर फेंसिंग नहीं रहती है, लेकिन उस फेंसिंग के लिए बीएसएफ इम्प्रोवाइज्ड फेंसिंग का इस्तेमाल कर लेती है। और इसके साथ ही इस तरह के जो रिवर बेड आप देख रहे हैं, जिसे हम इस समय एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए क्रॉस कर रहे हैं, तो ये इस फोर्स की दिलेरी ही है कि किसी भी चीज को बाधा नहीं बनने देती है। यहां पर जो तकनीकी उपकरण है वो तो रहते ही हैं, लेकिन उनके साथ ही बीएसएफ की, उसके जवानों की चौकस निगाहें भी रहती हैं, क्योंकि इस तरह के इलाकों का जहां पर फेंस ना हो उसका इस्तेमाल करने का कोशिश पाकिस्तान करता है अपनी तरफ से कि वो किसी तरीके से इन इलाकों का इस्तेमाल करके कहीं से घुसपैठ कर ले, लेकिन यहां से भी एक भी काला मंसूबा उसका पूरा नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी है इनकी ताकत, कुछ ऐसी है इनकी तैनाती। बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से स्नाइपर शॉट्स का खतरा भी रहता है। पाकिस्तानी सेना अक्सर बॉर्डर पर खेती करने वाले निहत्थे किसानों या फिर ड्यूटी पर तैनात जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करती है। इसके लिए वो अपने तरफ से घने जंगलों का इस्तेमाल करती है। ये अगर आप यहाँ के बोर्ड को भी देख लें तो ये स्नाइपिंग जोन इस पर लिखा हुआ है। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि जो सीमा है उससे इतना सटा हुआ पाकिस्तान का इलाका है कि आप गोली की जद में रहते हैं, और यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से कई बार स्नाइपिंग एक्शंस हुए हैं। ये आम नागरिकों के खेत हो जाते हैं, यहाँ पर आकर वो खेती करते हैं, और इसीलिए जो बीएसएफ है वो एक तरफ पाकिस्तान का सामना करती है और दूसरी तरफ वो उन आम नागरिकों को सुरक्षा भी मुहैया कराती है ताकि वो अपनी खेती बेखौफ होकर कर सके, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके का जो खतरा है वो कम नहीं हो जाता है। उनका देखिए झाड़ी है जो इधर इस साइड में देखिए, इनके पीछे वो पीपल का पेड़ सने पर जो है, लेकिन कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला हम लोग को, कोई आप लोग तैनात हैं। हम लोग हमेशा तैनात रहे हैं, पहले से भी हैं और आगे भी हैं, अभी भी हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान सिर्फ आतंकियों की घुसपैठ के लिए अकारण फायरिंग नहीं करता, इसके पीछे उसके कई खतरनाक मंसूबे हैं जिसके जिंदा सबूत बॉर्डर के पास की दीवारों पर पैबस्त रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगर सीज़फ़ायर वायलेशन किया जाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आतंकियों को सीमा में प्रवेश करना है, उसके बहुत गलत मंसूबे हो सकते हैं। जैसे जिस इलाके में हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पर विकास का कुछ कार्य हो रहा है जिसकी अगर हल्की सी भी आहट पाकिस्तान को लगती है तो लगातार उस तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है वो शुरू हुई। ये एक ऐसी बीओपी है जिसकी लोकेशन तो हम आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आप दीवारों पर देखें तो आपको उस पूरे निशान आप देख सकते हैं, वो पूरे शेलिंग के निशान आप देख सकते हैं। एक एक जगह पर जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं वो दर्ज है इस शेलिंग के हिसाब से। लेकिन जब से बातचीत हुई है डीजीएमओ स्तर की और उसके बाद ये तय हुआ है कि नहीं होगा सीज फायर वायलेशन किसी तरह का, उस समय से कम थोड़ी सी शांति इन इलाकों में देखने के लिए मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद सतर्कता हमारे बीएसएफ की, हमारे तमाम सुरक्षा बलों की पूरी रहती है।